हेलो गाइस, रच्चू के जायके का सफर में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल के कोफ्ते। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो उसके लिए कटहल के कोफ्ते के लिए हमने पहले से कटहल को नमक और हल्दी डाल के बॉईल कर लिया, उसे मैंने मैश कर लिया है। अब मैं उसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब मैं उसमें डालूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े से धनिया पत्ते, 1 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी नमक, क्योंकि हमने पहले बॉईल करते टाइम इसमें नमक डाला था कटहल में, तो मैं थोड़ी सी नमक डालूंगी। मैं हल्दी पाउडर भी थोड़ी सी डालूंगी इसमें, क्योंकि मैं हम पहले ही हल्दी पाउडर डाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके बेसन डालूंगी, 2 चम्मच जितना मैं बेसन डालूंगी। अब मैं इसमें 2 पिंच गर्म मसाला पाउडर डालूंगी और इन सबको अच्छे से मैश करके कोफ्ते बना लूंगी। देखिए, हमने कटहल को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम हाथ में थोड़ी सी ऑयल लगा लेंगे और इसे गोल गोल बॉल बना बना के फिर फ्राई करेंगे। तेल को थोड़ा कम करके डीप फ्राई करते जाएंगे। देखिए, हमारे कोफ्ते किस तरह से रेडी हो रहे हैं। छोटे छोटे नींबू के आकार के सारे बॉल्स रेडी कर लेंगे और इसको हम तेल को कम करके इसको फ्राई करते जाएंगे ताकि हमारे कोफ्ते अच्छी तरह से लाल हो जाए। कोफ्ते कितने अच्छे लाल होके फ्राई हो चुके हैं, देख रहे हैं ना कितना अच्छा फ्राई हो चुका है। जब हम कोफ्ते को उबाल के मैश करेंगे तो उसके जितने हार्ड पार्ट्स हैं आप उन्हें बाहर कर दीजिएगा, फिर उसके सॉफ्ट पार्ट्स में सारे मसाले को डाल के मैश करके गोल गोल बॉल बना लेंगे, नींबू के साइज के बॉल बना लेंगे और उसे इसी तरह से डीप फ्राई कर लेंगे। हमारे सारे कोफ्ते फ्राई होके रेडी हो गए हैं। अब हम चलिए आगे मसाले की तैयारी करते हैं। देखिए, हमारे कोफ्ते कितने अच्छे लाल होके फ्राई हो चुके हैं। अब हम तेल में थोड़ा सा जीरा, 2-3 तेज पत्ता और थोड़ी सी प्याज डालेंगे जो हमने बारीक चॉप करके रख ली है। अब हम इसे हल्का फ्राई होने देंगे। ये थोड़ा फ्राई हो जाता है फिर इसमें हम और मसाले ऐड करेंगे। देखिए, हमारा प्याज हल्का लाल हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने अदरक लहसुन का पेस्ट दोनों को एक साथ बारीक पीस लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया और जीरा पाउडर जो कि मेरा दोनों एक साथ ही पीसा हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी। अब हम ऐड करेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर। अब जितना तीखा पसंद करते हैं अपने अनुसार ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी नमक, क्योंकि हमने कोफ्ते में नमक डाले हुए हैं तो अब हम सिर्फ ग्रेवी के हिसाब से ही नमक ऐड करेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर चला लेंगे। अब हम इसी में डालेंगे टोमेटो की प्यूरी। हमने 2 टोमेटो को अच्छी तरह से बारीक पेस्ट बना लिया है, इसी में ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से लाल होने तक भूनेंगे जब तक कि कढ़ाई तेल ना छोड़ दे। अब हम इसमें डालेंगे अपना कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा निखर के आएगा। देख रहे हैं हम कितना डाले हैं। और थोड़ा सा एवरेस्ट का चिकन मसाला, थोड़ा सा चिकन मसाला पाउडर भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि हम चिकन मसाला पाउडर डाल चुके हैं, इससे स्वाद बहुत अच्छी आती है। गरम मसाला हमने कोफ्ते में डाल दिया था 2 पिंच, क्योंकि बहुत स्ट्रांग फ्लेवर देके कोफ्ते में आता है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड नहीं करेंगे, बस इसी तरह से चलाते हुए तेल आने तक पकने देंगे। देखिए, हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी लाल हो गई है, सारा तेल अच्छी तरह से छोड़ चुका है। अब हमारा मसाला पक के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, बस उतना ही पानी डालेंगे जितना आपको ग्रेवी चाहिए। अब जितना थिक या पतला चाहते हैं आप वैसा ग्रेवी को रखेंगे। अब इसे बॉयल आने देंगे, फिर हम इसमें अपने करारे करारे कोफ्ते डालेंगे जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और मुंह में घुल जाने वाली बनके रेडी होगी। देखिए, हमारी ग्रेवी अच्छी बॉयल आने शुरू कर दी है। अब हम अपने कोफ्ते को इसमें ऐड करेंगे जो हमने आधे किलो कटहल से बना के रेडी की है, जो कि देखने में बहुत ही करारे लाल लाल तैयार हुए हैं लेकिन खाने में उतने ही सॉफ्ट रहेंगे। तो दोस्तों, अब हमने सारे कोफ्ते को ऐड कर दिए हैं। ये सिर्फ आधे किलो कटहल से हमने तैयार किए हैं। देखिए, हमारे कोफ्ते बनके रेडी हो गए हैं। अब हम इसे धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे। आप जैसा ग्रेवी रखना चाहें आप वैसा ग्रेवी रख सकते हैं। मैंने अपने कोफ्ते की ग्रेवी थोड़ी पतली रखी है क्योंकि हम आज इसे चावल में बना रहे हैं। आप चाहे तो इसे चावल के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी मजा ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी ग्रेवी आज पतली रखी है क्योंकि मैं चावल में इसे बना रही हूं। दिखाते हैं हमारे कोफ्ते कितने सॉफ्ट बनके रेडी हुए हैं, जो कि कितनी आसानी से टूट जाएंगे। देख रहे हैं ना कितनी सॉफ्ट बनके रेडी हुए हैं और खाने में भी उतने ही मजेदार हैं। देखिए, हमारा ग्रेवी भी कैसा हुआ है। दोस्तों, आपको मेरे कटहल के कोफ्ते कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी न्यू डिशेस की।